नमस्कार दोस्तों। तो आज के स्टूडियो में हम लोग जानेंगे जो गायब होने के मंत्र साधना है उसके बारे में। तो यह किसके द्वारा गायब होगा, ठीक है, मतलब जो साधना है वह कौन सी साधना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा त्रिलोचना, जो भूतनी साधना है उसके बारे में। त्रिलोचना दोस्तों एक ऐसी आसुरी शक्ति है जिसकी देह कांति दोस्तों सूर्य के समान है और जो देह का रंग जो है धूमिल है दोस्तों, और यह जो है बहुत ही सौंदर्य रूप में है। और इसकी शक्ति अगर किसी भी साधक को प्राप्त हो जाती है तो वह चमत्कारिक व्यक्ति बन जाता है। तो मतलब इसे आप सिद्ध कर लेते हैं तो कुछ भी जो है चमत्कार आप कर सकते हो। गायब होना तो आसान बात है, ठीक है। साधक को चाहिए कि वह मध्य रात्रि में उठ करके इस साधना को संपन्न करे और वह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके और मिश्रित रंग वाले ऊनी सफ़ेद आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर अपने सामने सियार सिंगी काले घोड़े की नाल को एक लकड़ी के बाजूट पर स्थापित करना है। इसके पश्चात साधक पूजन धूप दीप कुमकुम आदि से करना है और पुष्प चढ़ा करके नैवेद्य आदि से भोग लगा देना है। इसके पश्चात दोस्तों साधक सात बार फट का जो है उच्चारण का ध्यान करना है। फट का जो है उच्चारण का आपको ध्यान करना है। इसके पश्चात आप अभिमंत्रित जो वैजयंती माला है उसे 51 मतलब 51, ठीक है, 51 माला आपको मंत्र का जप करना है। तो मंत्र क्या है दोस्तों, मंत्र आपको बता देता हूँ, मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मंत्र है ओम होम त्रिलोचनाए भूतनी वशीकरण फट ओम। एक बार और सुन लीजिएगा मंत्र, ओम ओम त्रिलोचनाए भूतनी वशीकरण फट ओम। तो यह मंत्र है, ठीक है। मंत्र जब जब संपन्न हो जाए तो उसके बाद आप भोग को वितरित करना है और साधना काल में भूमि पर आपको शयन करना है। और बात आपसे कम से कम जो बात है जिस आप कम से कम करें, ठीक है।